हेलो गाइस, शाम हो चुकी है और कैसा मूड लग रहा है मेरा, क्योंकि मैंने अभी थ्रेडिंग करवाई है, क्योंकि घर पे ही मैंने बुला लिया था किसी को और उसी से सब करवाया। देखो आज मेरा अभी तक लाल लाल हो रहा है, तो मैंने वो भी करा है आज अभी शाम के टाइम, क्योंकि मुझे सुबह से फुर्सत ही नहीं मिल रही थी। और अभी मैं जा रही हूँ ये पैकेट लेके, आज मेरे यहाँ हलवा पूरी का मतलब एक दिया जाता है पंडितों को, मतलब मंदिर की जो पंडिताइन है उनको देना है। तो अभी ये लोग आएंगे, ये लोग नीचे से ही फ़ोन कर देंगे, मुझे नीचे जाना है, फिर मैं ये मंदिर में देख के आती हूँ। और मंदिर में देख के फिर सोच रही हूँ टपरी वाली चाय पी के आती हूँ, क्योंकि घर में आज मैंने चाय नहीं बनाई, क्योंकि वो पार्लर वाली आ गई थी, तो मैंने उसी से काम कराने में कम से कम 2-3 घंटे लग गए। मैंने अपना हाथ वाथ भी सब करवाया, हेयर करवाए, कटिंग मैं परसों करवाऊँगी, क्योंकि आज बहुत लेट हो रहा था और शाम का टाइम भी हो रहा था, तो उसको भी कहीं जाना था, तो लेकिन मैं कटिंग मैं परसों करवाऊँगी, क्योंकि कल थर्सडे है, कल नहीं करवाऊँगी। बाकी सारी आज सर्विसेज ले ली, मेरे बस हेयर रह गया है और फेस भी करवाना है, वो हम परसों करवाएंगे जब वो आएगी। तो कल थर्सडे नहीं होता तो मैं कल ही करवा लेती, तो फिलहाल अब परसों जो भी कुछ होगा तो होगा। तो अभी जा रही मैं मंदिर, ये हलवा और पूड़ी जो मैंने भोग लगाई है वो जाके मंदिर में किसी पुजारिन को देके आती हूँ, फिर उसके बाद आके मुझे तैयारी करनी है, भगवान को बाहर चौकी पे बैठाना है बरंडे में बैल्कनी में, और खीर तो मैंने बना ही ली थी, उसको भी ढक के रखनी है, शाम की दियाबत्ती करनी है, सभी कुछ करना है। खैर आती हूँ, मिलती हूँ फिर आपसे, मैं चलती हूँ। और अब तो मैं चाबी उठाऊँगी यहाँ से, कितना अच्छा लगता है ना चाबी स्टैंड से चाबी निकालना और फिर वापस आके डायरेक्ट उसी पर लगा देना। तो कल ये लग गया है तो अब अच्छा लगता है इससे उठाना। तो चलो कहीं लेट ना हो जाए, लोग नीचे आ गए होंगे, मैं चलती हूँ। अरे आओ जल्दी। अरे हैं जो तुम ही दो, तुमको देना होता ना तो तुम। नहीं कोई नहीं, तुम भी दे सकते। मंदिर में वो सामान दे आई हूँ और अब आ गई हूँ मैं चाय पीने, जैसे कि मैंने बोला था कि मैं जा रही हूँ चाय पी के आऊँगी, घर में बनाने का मन नहीं है। मैं बनाई तो थी आंटी के लिए बनाई थी, लेकिन फिर उसको आंटी को ही पिला के और वो पार्लर वाली को पिला के मैं भाग आई, क्योंकि ये लोग आ गए थे तो मैं पी नहीं पाई थी। अब घर जाऊँगी तो वो बेकार हो गई होगी, तो मैंने सोचा कि बाहर से ही पी लेते हैं। ये देखो उसकी चाय कितनी अच्छी रंग होती है, बहुत टेस्टी होती है, तो ठंडी नहीं करते। ये बाहर खड़े होकर पी रहे हैं, ये पीछे दे जाए, तुम्हारी यहाँ रखी हुई है, कितनी बुरी हो तुम इसमें बुरी की क्या बात है, मैंने कुछ नहीं दिखाया, तुम मेरा दिखाया। मैंने क्या दिखाया बताओ, तुम बहुत बुरी हो मैंने क्या दिखाया। तो अभी बस घर चलते हैं, यही 2 मिनट के दूरी पे घर है, चलते हैं। फिर पूजा की करनी है तैयारी सारी, वो सब बैलकनी में रखनी। नहीं शाम के टाइम अब सोना नहीं है बिल्कुल भी, बिल्कुल सवाल ही नहीं उठता। तैयारी करूंगी, हो जाएगा, टाइम कट जाएगा। तो चलो गाइस जल्दी से फटाफट चाय खत्म करते हैं, फिर मिलती हूँ घर पे। अब तो चाय पी के हम लोग चलते हैं अपने घर की ओर, और चांद के दर्शन मैंने उसी समय कर लिए। तो ये देखिए कितना फुल मून है और आज धरती के पास भी होता है। और वापस आते ही मुझे सोनम के साथ लिफ्ट शेयर करनी पड़ी, क्योंकि लिफ्ट में ये पहले ही से आ चुके थे और मैं इतनी डरी हुई थी, मैं चुपचाप कोने में खड़ी हुई थी, मुझसे एक आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। मुझे यही डर लग रहा था अगर इसने कुछ किया काटने की कोशिश तो मैं बाहर भी नहीं भाग सकती, क्योंकि लिफ्ट बंद होती है। और जैसे ही मेरा फ्लोर आया मैं भागी हूँ कस के। कैसे मतलब पैसे दे दिए थे सब, बैठो बैठो आप चले, हमने कहा क्या पिलाते हैं। सुनो मेरी बात सुनो, कैसा काम किया उसने, लड़की अच्छी है, बहुत अच्छी है, देखो वैक्सिंग वैक्सिंग बालों में क्या करा उसने, कलर करवा ली है, मैंने कहा आई है तो करवा लें, फिर शैम्पू हमने अपने से किया।
तो गाइस जैसे आप लोगों को बताया था कि आज शरद पूर्णिमा की पूजा है, तो मैं उसी की तैयारी में लग गई थी फटाफट। तो सबसे पहले मैंने चौके पे जाकर उसमें गद्दा वद्दा डाल के चादर एक वाइट कलर की, क्योंकि आज के दिन सब कुछ वाइट ही कलर का होता है, तो उनकी चादर भी वाइट कलर की मैंने बनवाई है। फिर उसके बाद मैंने एक एक करके भगवान रखने चालू करे और पूजा की तैयारी करी। मैं उधर प्लेट लगा रही थी उनकी, सारे सामान की खीर ला रही थी, तो मैंने कहा बेटी से कह दिया, तो वो देखो भगवान को ट्रे में लगा के बैठ गई। ऐसे लग रहा है जैसे भगवान ना हो गए, नाश्ता हो गए। तब मैंने आके फिर ट्रे हटाई और उनको ठीक से रखा। फिर तुलसा जी की पूजा करी, उनको नया लहंगा चुनरी कुछ चूड़ियाँ वो सब पहनाई। शालिग्राम भी अब एक महीना यहीं पे ही मैं रखूँगी, क्योंकि वो उनकी भी दिया जलानी पड़ती है और शालिग्राम और तुलसा जी का विवाह होता है, तो एक महीना भी ये यहीं पे ही रहेंगे। तो अच्छे से सब कुछ पूजा उजा संपन्न हो गई। और इन लोगों को भी मैंने बोला कि तुम लोगों को भी करना है तो कर लो। चांद की भी दिया मैंने जला दी थी, अर्घ मैंने दे दिया था, सब कुछ कर दिया था, और सेंदूर वेंदूर लगा दिया, सब कुछ कर दिया था। शाम का टाइम इसलिए पानी वानी नहीं डालती, क्योंकि शाम के टाइम कहते हैं पौधे में पानी नहीं डालते हैं। और आखिरी में जला दी दिया, और दिया जला के वहीं पे रख दी। धूप बत्ती भी जलाई दी थी मैंने, और बस इतनी छोटी सी पूजा थी, लेकिन काम इतने हो जाते हैं कि मैं क्या बताऊँ। तो यहाँ मैंने खीर सिंघाड़ा खील बताशा चूड़ा गट्टा सब कुछ मैंने यहाँ पर रख दिया है। बस इसको थोड़ी देर बाद ढक दूंगी। आजकल पता नहीं क्यों लाइट में बहुत ज़्यादा छोटे छोटे कीड़े मकोड़े बहुत आ रहे हैं। ज़रा सी देर बालकनी खुली रह जाती है, कमरे के अंदर भी आ जाते हैं और लाइट के आसपास चिपक जाते हैं। तो सभी के घर में ही आ रहे हैं, कोई मेरे ही नहीं, तो इसलिए मैं इसको तुरंत पूजा करने के बाद ढक दूँगी। अभी तो फ़िलहाल मैं खुद बैठी हुई हूँ, और बाद में मुझे ख्याल आया कि थोड़ा सा लॉट टेबल को डेकोरेट कर देती हूँ। एक्चुअली टाइम नहीं था, लेट हो रहा था, बहुत शाम हो रही थी, तो मैं भूल गई थी। फिर बाद में मैंने अच्छे से क्या, बस एक यही डेकोरेट कर दिया कि थोड़ा सा अच्छा लगे। फिर इन लोगों ने भी एक एक करके इन लोगों ने पूजा कर ली, और फिर पूजा करके हम लोग चले गए अंदर और यहाँ पे बंद कर दिया था। लाइट बालकनी की पूरी रात अब जला करेगी।